हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। और बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि मैम स्पॉट राउंड 2 होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। सो बेटा, दिस इज योर आईपीयू एडमिशंस डॉट निक डॉट इन, जो कि वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको आपके सारे डेट्स मिलते हैं रिगार्डिंग योर ऑल दी काउंसलिंग राउंड, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के अकॉर्डिंगली भी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें बीसीए या बीबीए या बीकॉम, जो भी हमारे नॉर्मली यूजी कोर्सेज हैं, उनके स्पॉट राउंड 2 के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, राइट। एक दो दिन से जो नोटिफिकेशंस आ रही थी वो बीटेक के लिए आ रही थी, और उस नोटिफिकेशन में पहले ये डिक्लेयर किया गया था कि बीटेक का जो स्पॉट राउंड 2 है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, राइट। सो इट वाज दैट। अब लेकिन वो भी कैंसिल हो गया है, उसका स्पॉट राउंड जो है वो ऑफलाइन नहीं हो रहा है, राइट। आप यहाँ पर देखो तो ये जो सबसे ऊपर वाला नोटिस अभी है ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ पार्ट एकेडमिक एंड रिपोर्टिंग इन दिस अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज ड्यूरिंग स्पॉट राउंड 1 फॉर द प्रोग्राम बीटेक सीईटी कोड 131, राइट। एंड दिस इज सीईटी कोड 128। हमारा जो बीसीए का कोड है वो है 114, राइट। सो ये आपका एक्सटेंशन मिली है उनको फॉर रिपोर्टिंग एज वेल एज फॉर सबमिटिंग द पार्ट एकेडमिक फी, जिस जिसको भी एडमिशन लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास अगर किसी को विड्रॉल कराना है उसके लिए भी आपकी जो डेट है वो उन्होंने बता दी कि भाई विड्रॉल कराना है तो 9 अगस्त तक, ठीक है, उसको आप विड्रॉ करा सकते हो, मतलब जो भी विड्रॉल और रिपोर्टिंग के लिए आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे है, विच नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्पॉट राउंड 2 ऑफलाइन काउंसलिंग ऑफ बीटेक प्रोग्राम वाज नोटिफाइड फॉर द एकेडमिक सेशन। सो ये आपके पास है फॉर दी स्पॉट राउंड 2, ठीक है। अब स्पॉट राउंड 2 में इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि आपका जो है वो नोटिस वो विड्रॉ कर लिया गया है, अब ये आपका ऑफलाइन नहीं होगा, सो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑनलाइन। एंड यही चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दी अदर कोर्सेस, राइट। सो स्पॉट राउंड 2 होने के चांसेस तो होते हैं, पर आप अगर ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि स्पॉट राउंड 2 में आपको एमएसआईटी, विप्स या कॉलेजेस में, टॉप 3 कॉलेजेस में जाना है, तो बेटा उसका कोई फायदा नहीं। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू वेट। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी टॉप कॉलेजेस में सीट्स बची नहीं होंगी, और अगर होगी भी तो एक आधी कोई सीट बची होगी। जो भी आपका लक है शायद आपको मिल भी जाए, इफ यू वांट टू टेक रिस्क यू कैन गो अहेड। बट हाँ, जो बाकी के कॉलेजेस हैं, जैसे जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, या जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उनके घर से बहुत ज्यादा दूर है, बट दे हैव अ नियर बाय कॉलेज विच इज लाइक अ नॉर्मल कॉलेज, लाइक एन एवरेज कॉलेज, ठीक है। तो आपको अगर एवरेज कॉलेज ही मिल रहा है तो आप अपने घर से 25 किलोमीटर दूर क्यों जाओगे, अगर आपको कोई 5-6 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। तो उसमें आप जा सकते हो स्पॉट राउंड के लिए। सो बेसिकली तो उन लोगों के लिए स्पॉट राउंड 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जिनको कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, सो दे कैन गो फॉर इट, राइट। पर उसकी भी अभी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, इसलिए वो जो डेट्स हैं रिपोर्टिंग की वो एक्सटेंड कर रहे हैं कि जितने बच्चे हो सके अपनी एडमिशन फाइनल कर दें, या अगर किसी को विड्रॉ भी लेना है तो विड्रॉ कर दें। क्योंकि अभी देखो डीयू का जो बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है उनका रिजल्ट अभी एक्सपेक्टेड है 14-16 अगस्त को शायद, है ना। सो वो जब 16 अगस्त को कॉलेजेस की लिस्ट आएगी उसके बाद ही स्पॉट राउंड 2 मेरे हिसाब से शायद कुछ फिगर आउट होगा, क्योंकि काफी बच्चे जो है जिनको अगर डीयू में एडमिशन मिल जाएगा वो इधर से विड्रॉल फाइल कर देंगे। सो वो सब आपका सब जो फैक्टर्स है वो मैटर करेंगे, बाकी यू नेवर नो यूनिवर्सिटी के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। बट ये तो पक्का है कि ऑफलाइन तो नहीं होगा, जैसे इसका ऑफलाइन कहा गया था पर ये विड्रॉ कर लिया गया। इट इज इन्फॉर्म दैट अबव मेंशन यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन स्टैंड्स विड्रॉन, जो 9 अगस्त को दिया गया था कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी वो अब विड्रॉ कर दिया गया है। द डिटेल शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड 2 फॉर बीटेक कोड 128 विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन एज नोटिफाइड अबव रेफरेंस नोटिफिकेशन विल बी नोटिफाइड 13 अगस्त। तो अब आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है, बट ये बता दिया उन्होंने कि ऑफलाइन नहीं होगा ऑनलाइन होगा। तो अगर आपके पास हुआ स्पॉट राउंड 2 बीसीए का तो वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो ये जो ग्रुप्स में सब डिस्कशंस चल रही है कि मैम ये ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन नहीं होगा। बीटेक का पहले ऑफलाइन सोचा था, वो भी नहीं हुआ, तो वो तो वैसे ही मैसेज बीटेक के लिए था, बीसीए के लिए था ही नहीं। बट वी आर एक्सपेक्टिंग स्पॉट राउंड 2 शुड बी देयर, यूजली होता है, ठीक है, क्योंकि सीयूईटी वाले बच्चे भी अब आ जाते हैं। सो बहुत हेर फेर होगा क्योंकि सीयूईटी से एडमिशन ही अभी हो रहे हैं, तो दैट विल अफेक्ट द एडमिशन प्रोसीजर, दैट विल मेक द सीट्स वेकेंट। तो होपफुली स्पॉट राउंड 2 होगा लेकिन ऑनलाइन ही होगा। अब कब होगा इसके बारे में
हम कुछ नहीं कह सकते जब तक यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन नहीं आती। सो मैं भी चेक करती रहती हूँ, आप भी साइट पे चेक करते रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यू विल गेट टू नो। अभी तक एज ऑफ 12 तारीख है आज, ठीक है, एज ऑफ 12th अगस्त अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब देखो कुछ नए नए अभी हमारे पास, अच्छा ये तो कट ऑफ पे चले गए, ये है शेड्यूल एंड नोटिसेस, सो वी जस्ट हैव टू कीप ऑन चेकिंग दिस, ठीक है। सो ये नोटिसेस आप चेक करते रहोगे, इसमें जब भी आपके पास आएगा शेड्यूल 2 मतलब स्पॉट राउंड 2, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द सेम थ्रू अ वीडियो, सो लेट्स कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा, डोंट वरी। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भी अब हो गई है, तो उसके बाद भी अगर कुछ सीट्स बचती हैं तो मे बी दे आर दैट इन दिस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यू विल गेट टू नो। पर अगर आपको कॉलेजेस मिल गए हैं एंड यू गॉट अ फेयर इनफ कॉलेज, गुड इनफ कॉलेज, सो प्लीज ज्वाइन इट, ठीक है। अगेन मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको यही बोलती हूँ, अभी भी यही बोलूंगी कि कॉलेज सिर्फ पहला स्टेप है, इट इज नॉट योर डेस्टिनेशन, राइट। सो अच्छा कॉलेज मिलना या टॉप कॉलेज मिलना एंड नहीं है, इट्स नॉट दैट यू हैव कवर्ड योर जर्नी और हो गई है, तो अभी जर्नी की शुरुआत। आपको कॉलेज तो अच्छा मिल गया पर आपको अभी बहुत काम करना है, यू हैव टू वर्क लॉट, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, तभी जाके आगे इस कोर्स का फ्यूचर में कोई फायदा होगा, है ना। अगर हमारे को बीसीए करने के बाद भी प्रोग्रामिंग ही नहीं आती है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी या हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। सो जो चीज आप सीख रहे हो यहाँ पर, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट यू शुड बी मास्टर इन, यू शुड बी मास्टर इन मेकिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर अप्लाई कहाँ होता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनेंगे, कैसे बेचोगे, वो आपको आना चाहिए, वही आपको यहाँ सीखना है। तो आपके कॉलेज वाले तो सिखाएंगे ही, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू टीच यू दैट। सो आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए। आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट विद ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, विद इंटर्नशिप्स, विद प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप पे BCA Semester 1 का कोर्स है वो इनरोल कर सकते हैं। वी टेक लाइव क्लासेस एवरी डे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सो रात को होती है 9 बजे, तो ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज से बिल्कुल आते ही आपको क्लास के लिए बैठना पड़ेगा, विल बी हैविंग एट नाइट, राइट। सो आपके टाइम टेबल में बहुत ही इजिली फिट भी हो जाएगा, and will help you throughout to make more and more programs and develop your skills as much as you can work hard. मैं तो आप लोगों के साथ हार्ड वर्क कर ही रही हूँ, बट यू नो अब आप पे उतना हार्ड वर्क आपकी तरफ से भी आना चाहिए, then definitely you have a bright future. So that is it for this video. All the best to all those जिनको अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिला है या कॉलेज ही नहीं मिला है. Hope you get admission very soon in your desired college. So take care. Bye for now. See you in another video.